जब भी कभी हमें फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स नहीं मिलते तो हमारे जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या वाकई फाइवर हमारी गिग्स को डीरैंक कर रहा है? क्या वाकई वो हमारे क्लिक और इम्प्रेशंस को खराब कर रहा है जिसकी वजह से हमारी गिग की रैंकिंग खराब हो रही है? बट मैं आपको बताती चलूँ कि फाइवर किसी भी रैंकिंग फैक्टर के ऊपर काम नहीं करता। तो जब फाइवर किसी रैंकिंग फैक्टर के ऊपर काम नहीं करता तो वो आपकी डी रैंकिंग में भी किसी किस्म का कोई नहीं अदा करता। आपको मैं बताती चलूं कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कभी भी इंटेंशनली कोई ऐसा काम नहीं करता जो कि आपकी सक्सेस के अंदर शामिल हो। फाइवर हमेशा एक एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है, एक एल्गोरिथम के थ्रू वर्कआउट करता है, बट आप एज अ फ्रीलांसर उस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश कभी करते ही नहीं है। फाइवर के लिए सारी कॉम्पिटिटिंग गिग्स, सारे कॉम्पिटिटिंग फ्रीलांसर्स एक ही जैसे होते हैं। ये आपके लिए समझना जरूरी है दैट समटाइम यू आर अप एंड समटाइम यू आर डाउन। दिस इज जस्ट हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। दे आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से आपकी गिग्स डी रैंक होती हैं। बट क्या कभी आपने उन गिग्स के बारे में सोचा है, उनकी डी रैंकिंग के बारे में आपने कभी सोचा है? मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप विद इन अ वीक फाइवर के पर ऑर्डर को कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी गिग को रैंक आउट भी करवा सकते हैं। सबसे पहले हम उन रीजंस के बारे में बात करते हैं जो कि आपके पास आपकी फाइवर की डी रैंकिंग के अंदर शामिल होते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर आप वर्कआउट नहीं करते जो कि आपकी डी रैंकिंग का बाइस बनती है और आप लेवल वन एंड लेवल टू सेलर्स कैटेगरी के अंदर शामिल ही नहीं होते क्योंकि आपको ऑर्डर ही नहीं मिलते। सबसे पहला रीजन है आपके पास मोस्टली ऑफलाइन। जब आप मोस्टली ऑफलाइन की बात करते हैं तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि 24/7 फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहते हैं? आप कभी कभार फाइवर के ऊपर चक्कर लगाते हैं, लगाकर देख लेते हैं कि क्या कोई रिक्वेस्ट आई है, क्या कोई ऑर्डर आया हुआ है। फाइवर के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है 24/7 ऑनलाइन रहना। अगर आप किसी भी कंट्री से के अकॉर्डिंगली फाइवर के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आपकी कंट्री टाइमिंग एंड बायर की कंट्री टाइमिंग के अंदर डिफरेंस हो सकता है, तो इसलिए आपको 24/7 ऑनलाइन रहना जरूरी है। द अदर थिंग इज नॉट अर्निंग ऑन फाइवर, जीरो प्रोग्रेस, यू डू नॉट फॉलो एल्गोरिथम। आप एल्गोरिथम को फॉलो ही नहीं करते, आपकी अर्निंग ही जीरो है। अब आप कहेंगे कि हमें ऑर्डर ही नहीं मिलते तो आपको ऑर्डर किस तरीके से मिलेंगे जब आपका ऑनलाइन रेशो रेट कम है, आपकी प्रोग्रेस कम है, आपकी रेटिंग कम है तो आपकी अर्निंग भी जीरो होगी। आप अपनी गिग के ऊपर मेहनत ही नहीं करते, आप अपनी चीजों को वेल सेटेड ही नहीं करते, आप अपने गिग की SEO ही नहीं करते तो आपकी अर्निंग किस तरीके से होगी? ये भी एक डाउनफॉल होती है आप की गिग के डी रैंक की। द नेक्स्ट थिंग इज नॉट सबमिटिंग बायर रिक्वेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप बायर रिक्वेस्ट भेजिए। हमारे यहाँ पर लोग क्या करते हैं, 2 से 3 गिग्स को क्रिएट आउट करते हैं एंड देन दे विल वेट फॉर अराउंड 24 आवर्स कि उनको बायर रिक्वेस्ट मिल जाए। जब फाइवर का एल्गोरिथम खुद ये बात कह रहा है कि आपने 7 गिग्स को क्रिएट करना है, उसके बाद ही आपके पास बायर रिक्वेस्ट शो होना शुरू होगी, तो आप 7 गिग्स को कम्प्लीट क्यों नहीं करते? द अनदर फैक्टर इज द नेगेटिव रेटिंग। जब हम नेगेटिव रेटिंग की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको ऑर्डर मिल जाता है, आप उसको जो है वो अकम्प्लिश नहीं कर पाते और एट द एंड क्या होता है कि आपके और बायर के बीच में कम्युनिकेशन के बाद और प्रोजेक्ट की कम्प्लीटेशन के बाद जो है बायर आपको नेगेटिव रेटिंग देकर चला जाता है। आपने उसका काम किया होता है, आपने उसको प्रोजेक्ट डिलीवर किया होता है, बट फिर भी वो आपको नेगेटिव रेटिंग प्रोवाइड आउट करता है। फर्दर वीडियो में चलकर इस पे भी डिस्कशन आउट करेंगे, बट ये भी आपके पास एक रीजन होता है। देन द अदर रीजन इज द ऑर्डर कैंसिलेशन। समटाइम क्या होता है कि आपके पास कोई ऑर्डर आता है, वो आपको समझ में नहीं आता क्योंकि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर दोनों तरीके से वर्क करते हैं। बायर आपको कभी कभी ऑर्डर प्रोवाइड आउट कर देते हैं बिना आपसे बात किए और कभी कभी कुछ बायर्स आपसे डिस्कशन करते हैं आपके ऑर्डर को प्रोवाइड आउट करने के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो भी गिग क्रिएट करें उसके लास्ट में एक मैसेज जरूर लिखिए कि प्लीज
डू अ चैट विद मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो इससे क्या होता है कि बायर को पता होता है कि बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर उसने आपसे बात करनी है, बात कर अगर आपकी कमिटमेंट बनती है तो डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट अवॉर्ड किया जाता है, और उस केस में ऑर्डर कैंसिलेशन के चांसेस 99% जो है वो आपके खत्म हो जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज ओवर हेयर ऑर्डर कम्प्लीशन रेट बिलो 90। समटाइम क्या होता है कि आपकी जो गिग्स होती हैं वो इसलिए भी डाउनफॉल का शिकार होती हैं कि आपने कुछ कुछ ऑर्डर्स पे नेगेटिव रेटिंग ली होती है, कुछ ऑर्डर्स आपने कैंसिल किए होते हैं, आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ठीक नहीं होता। तो अगर आपकी गिग का जो कैंसलेशन लेवल है उसका कंप्लीशन लेवल 90% से डाउन हो जाता है तो आपके पास यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट और साथ ही साथ आपकी जो गिग है उसकी रैंकिंग लो कॉस्ट होना शुरू हो जाती है। एक और रीजन ये भी होता है आपके पास कि अगर आपकी जो रेटिंग है अकाउंट की वो 4.8 से डाउन हो जाती है, तो अगर वो 4.8 से डाउन हो जाती है तो भी इस केस में आपकी गिग जो है वो डाउनफॉल का शिकार होना शुरू हो जाती है। तो ये सब चीजें क्यों होती है? बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग रेगुलरली, नॉट फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स दैट आर रियली एंड एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द फाइवर गिग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी जो आपकी स्किल सेट्स के रिलेटेड आपने गिग्स क्रिएट की होती हैं, आप उनके SEO के ऊपर भी काम नहीं करते। इस बात का आप यहाँ पर ख्याल रखिए कि फाइवर जो है हमारे पास वो एल्गोरिथम की बेस के ऊपर जो है वो काम करता है। अगर आप उसके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली वर्कआउट नहीं करते तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा चांस रहता है कि फाइवर आपकी गिग को डाउन टू डाउन ले जाता रहे। अगर आप फैक्टर्स को फॉलो नहीं करते, अगर आप सिनेरियोस के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करते तो आप चाहे लाख मेहनत कर लीजिए या फिर आप 24 आवर्स भी ऑनलाइन रह लीजिए, उससे किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइवर से रिलेटेड टूल भी हैं, आप उनका इस्तेमाल कर अपनी गिग्स को ट्रैक कर सकते हैं। आप साथ ही साथ उसकी एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने गिग को बेटर बना सकते हैं। कुछ सिनेरियोस की बात करते हैं अब हम यहाँ पर कि ऐसे कौन से सिनेरियो हैं जिसकी वजह से फाइवर जो है वो आपकी गिग्स को और डी रैंकिंग करता चला जाता है। तो सबसे पहला सिनेरियो जो हमारे पास है वो ये है कि आप फेमिलियर नहीं होते अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। हमारा मतलब क्या होता है बेसिकली कि हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है, अब वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो काम मुझे करना आता हो या वो काम मुझे नहीं करना आता हो, बस प्रोजेक्ट मिल रहा है, दैट इज व्हाट एक्चुअली रियली मैटर्स फॉर द फ्रीलांसर्स। ऐसा ज्यादातर न्यू फ्रीलांसर्स के साथ होता है जिनका पहला प्रोजेक्ट होता है। वो क्या करते हैं कि बायर को हेवन टू अर्थ जो है वो ले जाते हैं एंड एट द एंड क्या होता है वो इतना वर्स रिजल्ट देते हैं कि बायर या तो आपका प्रोजेक्ट कैंसिल करता है या फिर वो फाइवर को रिपोर्ट करता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके और बायर के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है वो फाइवर खुद से भी रीड आउट करता है। इन सब एक्शंस की वजह से फाइवर आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट भी कर सकता है। एक और सिनेरियो जो सबसे देखा गया है फाइवर के अंदर वो है पुअर कम्युनिकेशन स्किल। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर जिसकी वजह से 90% लोगों को उनके ऑर्डर्स नहीं मिलते। कम्युनिकेशन स्किल इतनी बेकार है, आप लोग बैड बिडिंग करते हैं, आप लोगों को नेगेटिव रिव्यूज भी इसी केस के अंदर मिलते हैं। अक्सर जब आप अपने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेते हो देट आप बायर को अपनी कम्युनिकेशन से सेटिस्फाई ही नहीं करते। आपको जेंटली बात करनी है बायर के साथ, आपको उसके साथ काइंडली बात करनी है, आपको वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। आपने अपनी कम्युनिकेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोफेशनल रखना है ताकि आपके बायर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पढ़ सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल एक नया ट्रेंड चला है फेक रिव्यूज का फाइवर के ऊपर। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग क्यों इस चीज के पीछे भागते हैं या लोगों ने क्यों उस चीज के पीछे भागना शुरू कर दिया, क्यों ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि अगर आप फेक रिव्यूज ले लेते हैं, फेक ऑर्डर्स ले लेते हैं तो आपके पास ऑर्गेनिक चीजें आना शुरू हो जाती हैं। ये बात याद रखिए कि एल्गोरिथम एक्चुअली रियली मैटर्स। आपको क्या लगता है कि फाइवर ने अगर इनकरेज किया है आपको कि आप अपनी गिग्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें या सोशल मीडिया पे शेयर करें तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी के इनबॉक्स में जा जाकर उनको अपने गिग्स के लिंक प्रोवाइड करें एंड आस्क देम टू क्लिक एंड मेड एन इम्प्रेशन ऑन योर गिग्स। इससे आपका उल्टा अपना नुकसान होता है। ये फाइवर की पॉलिसीज के खिलाफ है। फाइवर एक एल्गोरिथम के ऊपर वर्क
मिलता है जब आप किसी से कहते हैं कि आपकी गिग को ओपन करे, आपकी गिग के ऊपर क्लिक करे, तो आपको जो पॉजिटिविटी लग रही होती है एक्चुअली में वो नेगेटिविटी के अंदर शिफ्ट आउट हो रही होती है। उस वजह से आपके इंप्रेशन गिरते हैं, उस वजह से आपके क्लिक्स गिरते हैं, आपकी जो ओरिजिनलिटी होती है अकाउंट की वो गिरती है। आधे से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ फेक रिव्यूज एंड सोशल मीडिया शेयरिंग की वजह से अपने फाइवर गिग्स को डाउन कर देते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो फाइवर की टीम है क्या वो वहां पर डमी लोग बैठे हैं, क्या उनको आइडिया नहीं है कि आप जो है वो यहाँ पर फेक ट्रैफिक ला रहे हैं, आप फेक क्लिक्स करा रहे हैं, फेक इंप्रेशन दे रहे हैं, वो सब इस एल्गोरिथम को वर्कआउट कर रहे होते हैं, सब चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके से काम करते हैं एंड देन फिर उनके क्लिक्स एंड इम्प्रेशन एकदम से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि जो लोग फाइवर की टीम में बैठे हैं दे आर नॉट द डमीज, दे कैन इजिली सी थ्रू द फेक रिव्यूज, द फेक क्लिक, द स्पैमिंग ऑफ योर फाइवर गिग्स। तो आप इन सब चीजों का ख्याल रखिए, आप जितना ज्यादा इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे उतना ज्यादा चांस होगा आपकी गिग के एनहेंस करने का। बट आप जितना ज्यादा इसको फेकनेस की तरफ लेकर जाओगे उतना ज्यादा आपकी गिग डी रैंक करेगी। अब हम कुछ समझ लेते हैं कि फाइवर का एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी फाइवर के एल्गोरिथम की बात की जाती है तो फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे पहले सर्चिंग की जाती है। अगर कोई भी बायर फाइवर के ऊपर आपको ऑर्डर देने जाता है तो वो सर्च करता है फ्रीलांसर को, वो उसकी गिग के ऊपर क्लिक करता है, उससे कॉन्टेक्ट करता है, राइट पर्सन को चूज कर वो उससे चैट करता है। चैट करने के बारे में एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी बायर होगा वो आपको चैट करते साथ ही आपका ऑर्डर कभी भी प्लेस नहीं करेगा, वो आपसे एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करेगा, आप उससे एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करोगे और उसके बाद आपको जहां पर उस ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। जब उस ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा तो तब आगे से और कन्वर्सेशन होगी उस ऑर्डर से रिलेटेड। एवरी टाइम आप उसको अपडेट प्रोवाइड करोगे, देन एट द एंड आप उसकी डिलीवरी प्रोवाइड करोगे, उससे रिव्यू के लिए कहोगे एंड देन पोस्ट डिलीवरी प्राइवेट फीडबैक जो है वो आपका बायर प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज हाउ द एल्गोरिथम इज एक्चुअली वर्क। फेक आपके प्रोजेक्ट्स लेना, फेक आपके क्लिकआउट्स को लेना, तो इन सब चीजों से क्या होता है, चलिए इन सब चीजों से आप अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्डर्स को प्रोवाइड आउट किया जाता है। फेक सर्चेस में क्या होता है, वो डायरेक्टली आपकी गिग के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आप फटाफट डिलीवरी करते हैं, वो फटाफट रिव्यू करके आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर देते हैं। जब फाइवर आपकी चैट्स पढ़ रहा है, आपकी सब चीजों को देख रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको वार्निंग्स नहीं दे सकता, आपके ऑर्डर की कैंसिलेशन नहीं कर सकता, आपको डिस्पैच नहीं कर सकता? तो ये सब चीजें वो है जो आपने फोकस आउट करनी है, इनके ऊपर आपने वर्क करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जिसके थ्रू आप अपनी फाइवर गिग को रैंक करा सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपने हमेशा ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन रहने के लिए आप हमेशा अपने लैपटॉप या मोबाइल का यूज कीजिए जिससे आप 24/7 ऑनलाइन रहें। अपने क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल कीजिए लाइक लिव स्मार्ट ऑटो रिफ्रेश, या फिर आप इजी ऑटो रिफ्रेश नाम की एक एक्सटेंशन आती है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अपनी गिग्स को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, बट वहां शेयर कीजिए जहां पर आपको लगता है कि आपको वाकई ही ऑर्डर मिल सकता है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर लेट्स कनेक्ट के नाम से, तो आप वहां पर अपने गिग्स को शेयर कीजिए, आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने गिग्स को शेयर कीजिए। खुदारा फेसबुक के बने हुए पेजेस के ऊपर अपने गिग्स को शेयर करना बंद कीजिए, लोगों के इनबॉक्स के अंदर अपने गिग्स को जो है वो शेयर करना बंद कीजिए। ये सब चीजें आपकी स्पैमिंग जाती हैं और आपका बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। अपनी जो आपकी गिग्स हैं उनकी एसईओ कीजिए, उनके टैग्स, उनके कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो आप काम कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कभी ऑर्डर मिल जाता है तो फास्ट डिलीवरी करने की कोशिश कीजिए। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको जब भी कोई पहला ऑर्डर मिले तो आप हमेशा फोकस आउट कीजिए कि आप 24/7 के अंदर जो है वो उसकी डिलीवरी को कंप्लीट आउट कीजिए। इससे आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज होगी, आपके इंप्रेशन इंक्रीज होंगे, आपकी गिग का सीआरटी इंक्रीज होगा और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फाइनली गुड लक विद द फ्रीलांसिंग।